हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द हिंदू। ठीक है, यानी कि हम एनालिसिस कर रहे हैं एडिटोरियल का, और वो एडिटोरियल कहाँ से है, द हिंदू से है। और ये एडिटोरियल का पार्ट थ्री है, तो आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और एरर डिटेक्शन की, वोकैब की एंड एडिटोरियल की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट को पूरा पूरा देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं दी हुई हैं। ठीक है, सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम एडिटोरियल का ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इसको देखेंगे कि कहाँ पर इसका कहाँ पर ग्रामर का यूज़ किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा एडिटोरियल को चेक करेंगे, और जहाँ पर भी हमारा वोकैब आएगी उसको हम मीनिंग भी देखेंगे कि उसका मीनिंग जो है क्या होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो मैं इसमें वोकैब बताने वाली हूँ, वोकैब के मीनिंग जो बताने वाली हूँ, उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से वोकैब लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल क्या है? पोल्स अपार्ट ऑन कांग्रेस एनसीपी शिवसेना अलायंस। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइटल ऑफ द एडिटोरियल। एंड देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द महाराष्ट्र अलायंस, द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द महाराष्ट्र अलायंस, महाराष्ट्र अलायंस की इनकॉन्ग्रिटी की बात हो रही है। कांट बी ओवरकम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कांट का यूज़ हुआ है। कांट का मतलब क्या होता है? कैन नॉट। ठीक है, कांट का मतलब क्या होता है? कैन नॉट। कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कांट होती है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद हमने बी का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? बी का यूज़ किया है। जब भी हम मॉडल वर्ब के बाद में, कैन क्या है? मॉडल वर्ब भी तो है। जब भी हम मॉडल वर्ब के बाद में बी का यूज़ करते हैं, तो उसके बाद जो हमारी वर्ब आती है ना, वो हमारी किस में होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसलिए यहाँ पर ओवरकम का यूज़ हमने किया है। अब देखिए, जो कम है ना, वो आपका कम्ड नहीं होगा, क्योंकि कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है। ठीक है, कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? कैम। यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है कम, देन कम कैम कम। ठीक है, कम कैम कम, यानी कम फर्स्ट फॉर्म, कैम सेकंड फॉर्म, और कम थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कम कैम कम, इस तरह से आप ध्यान में रखना कि इसकी थर्ड फॉर्म जो है कम होती है, कम की, इसलिए हमने ओवर कम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सो द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द महाराष्ट्र अलाइंट कांट बी ओवरकम बाय अ कॉमन प्रोग्राम। और कैन के साथ अगर हमारा बी न लगा हो तो क्या होगा? अगर हम बी का यूज़ ना करें तो फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर बी लग गया है ना, इसलिए हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे बाय आ रहा है, और बाय के बाद आप जानते हो क्या आता है? बाय के बाद हमारा नाउन आता है, इसलिए हमारा ये कॉमन प्रोग्राम पूरा क्या हो गया? नाउन हो गया। कॉमन हमारा एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए? प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ कर रहे हैं, तो आप जानते हो आर्टिकल के बाद भी हमारा नाउन आता है, तो इसलिए हमारा ये प्रोग्राम क्या हो गया? नाउन हो गया। कॉमन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एंड यहाँ पे हम ऑफ का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ आप जानते हो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है? नाउन आता है, तो नाउन क्या हो गया? महाराष्ट्र अलायंस हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और द भी आ रहा है, द आप जानते हो द के बाद आपका नाउन आता है, इसलिए हमारा ये हमारा महाराष्ट्र अलायंस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए, तो हम चलते हैं आगे। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे द दिया हुआ है, देखिए आर्टिकल द दिया हुआ है, तो द के बाद हमारा नाउन आता है, तो इनकॉन्ग्रिटी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि कहाँ पर हमारा नाउन है, कहाँ पर एडजेक्टिव है, कहाँ पर एडवर्ब है, और कहाँ पर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है। इस तरह से हम पूरा उसको एडिटोरियल का पूरा चेकआउट करेंगे। ठीक है, सो पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बैड फेलोज। ठीक है, पॉलिटिक्स मेक्स, अब यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है ना, वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है। एक तो हमारा बोलते हैं कि सब्जेक्ट की तरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, तो पॉलिटी होता है वो सब्जेक्ट, तो क्या होता है? पॉलिटी होता है। ठीक है, जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स हमारा जो प्लूरल नहीं है ये, ठीक है, प्लूरल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे मेक्स लिखा है। ठीक है, अगर हम कोई प्लूरल वर्ड होता है यहाँ पे, तो हम मेक लिखते हैं, मेक। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो प्लूरल नहीं है, भले ही इसमें एस लगाए, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे मेक्स का यूज़ जो है किया है। अब सिंगुलर नाउन है, तो हम उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे ना, तो ये क्या हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, मेक्स। मेक्स क्या है? सिंगुलर। और मेक क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, सो पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बैड फेलोज। ठीक है, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बैड फेलोज। स्ट्रेंज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बैड फेलोज क्या हो गया आपका? बैड फेलोज हो गया आपका नाउन। ठीक है, तो पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बैड फेलोज, और नाउन जो है, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? स्ट्रेंज, जो कि एक एडजेक्टिव है। बट द अमरजेंट, अब बट क्या हो गया आपका? देखिए फ्रेंड, जो बट होता है वो आपका कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, और एडवर्ब भी होता है, और नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ पर इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं? कंजंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं। बट उसके बाद हमारा पूरा सेंटेंस आ रहा है ना, तो ये पूरा कंजंक्शन है। ठीक है, तो बट द एमरजेंट कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शिवसेना अलायंस इन महाराष्ट्र पोस्ड
पुशेस द बाउंड्रीज ऑफ द टूरिज्म। देखो वहाँ पे बट के बाद ना यहाँ से द से लेकर ये टूरिज्म के तक पूरा ये एक सेंटेंस है, इसलिए हमारे ये बट क्या है, हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। तो बट हमारा एज अ कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और उसके बाद हमारा क्या आया है, नाउन आया है, बट द एमरजेंट कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, शिवसेना अलायंस, द के बाद देखिए एमरजेंट, उसके बाद हमारा नाउन यूज़ हो रहा है, एमरजेंट हमारा एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है किसके लिए, नाउन के लिए, और नाउन क्या है, कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा नाउन है, ठीक है, और ये शिवसेना तक हमारा नाउन है। उसके बाद हम इन दोनों की क्या कर रहे हैं, अलायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बट द एमरजेंट कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शिवसेना अलायंस, ठीक है, शिवसेना अलायंस इन, अब देखिए इन आ गया, इन क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो महाराष्ट्र अलायंस हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, फॉर, फॉर हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, और फॉर के बाद हमारा जी है ए फुल 5 ईयर टर्म, ये क्या है हमारा, पूरा नाउन है, और आर्टिकल ए आ गया ना उसके बाद भी नाउन आता है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, नाउन हो गया, फुल 5 ईयर टर्म, टर्म क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये हमारा एज एन एडजेक्टिव फ्रेज पूरा वर्क करेगा। चलिए आगे क्या दिया है, इफ़ इट सर्वाइव्स दैट इज, इफ़ इट सर्वाइव्स दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हमें यहाँ पे अमंग का यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, दो होते हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अच्छा बिटवीन के और भी यूजेस होते हैं, कि बिटवीन का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि हम दो के साथ ही करें, तीन के साथ भी, चार के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब स्पेसिफिकली सबके नाम जो दिए गए हों, ठीक है, इस पर अगर कन्फ्यूजन है तो मैं बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट और इनका जो है अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको अलग से इन पर वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक है। सो हमारा आगे क्या दिया, द सेना, ओके, द सेना हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, द सेना। अच्छा यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि शिवसेना अलायंस इन महाराष्ट्र पोशेस, ठीक है, महाराष्ट्र पोशेस, अब देखिए हमने अलायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलायंस की बात कर रहे हैं, और फिर हमने पोशेस लगाया है, ये पोशेस हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है ना, पुश का पुश अगर हम लिखते हैं पुश तो हमारा क्या होता है, ये प्लुरल वर्ब होता, अब सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम पुशेस का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिंगुलर नाउन है, नाउन क्या है, अलायंस है, ठीक है, नाउन क्या है, अलायंस है, तो ये सिंगुलर है ना, इसलिए हमने पुशेस का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद क्या दिया है, द क्या है, आर्टिकल है, उसके बाद हमारा नाउन आता है, तो बाउंड्रीज ऑफ दिस टूरिज्म, बाउंड्रीज क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ठीक है। अब दिया है ऑफ, ऑफ क्या होता है, प्रपोजिशन, ऑफ प्रपोजिशन की बात क्या आता है, नाउन, तो देखिए दिस टूरिज्म, टूरिज्म हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, द सेना, अब द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो सेना क्या हो गया, नाउन हो गया, द सेना विल, अब देखो विल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लीड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद द दिया है, द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो नाउन हमारा क्या हो गया, अलायंस, ठीक है, नाउन हो गया, क्या हो गया, अलायंस, द अलायंस फॉर अ फुल 5 ईयर टर्म, तो फॉर के बाद मैंने आपको बताया कि हमारा टर्म जो है नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद क्या दिया है, इफ इट सर्वाइव्स, ठीक है, इफ इट सर्वाइव्स दैट इज अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स हु विल आल्सो हैव अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यहाँ तक आपका सेंटेंस खत्म होता है। फिर इसके क्या दिया है, कि द सेना विल लीड द, ओके, इफ इट सर्वाइव्स दैट इज अकॉर्डिंग टू, देखिए फ्रेंड्स अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना, तो अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, अब द आ गया ना, द के बाद क्या आएगा, आपका नाउन आएगा, ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है हमारे यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि ing लगाए तो यहाँ पर ये हमारा वर्ब होगा, वर्ड नहीं है, ठीक, वर्ब नहीं है, ये हमारा एज एन नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जब भी हमारा कोई वर्ब होता है जिसमें हम ing लगा हुआ है लेकिन वो एज अ वर्ब ना यूज़ होके एज अ नाउन यूज़ हो रहा था, तो उसको हम जीरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरण बोलते हैं, ठीक है। तो द अंडरस्टैंडिंग ये हमारा नाउन है, अमंग, अमंग पार्टनर्स, ठीक है, अमंग यूज़ किया क्योंकि मोर देन टू है, इसलिए हमने अमंग का यूज़ किया है, अमंग द पार्टनर्स हु विल ऑल्सो हैव अ, अच्छा यहाँ पर हमने बिटवीन का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन का यूज़ हम पहली बार तो दो के लिए करते हैं, और दो से ज़्यादा के लिए तब करते हैं जब हमारा स्पेसिफिकली अलग अलग नाम दिया हुआ हो, यहाँ पे अलग अलग नाम नहीं दिया गया, पार्टनर्स लिखा हुआ है सीधे सीधे, यानी कि ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए हम अमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अमंग द पार्टनर्स हु विल ऑल्सो, अब हु किसके लिए आया, पार्टनर्स के लिए आया, ठीक है, हु किसके लिए आया, पार्टनर्स के लिए आया, हु विल, तो हु विल ऑल्सो हैव, ठीक है। अब देखिए हमने हु विल ऑल्सो, उसके बाद हमने हैव का यूज़ किया, हैव का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि देखिए पहली बार तो विल, शैल, इनके साथ हैव ही आता है, ठीक है, इसलिए से हमने यूज़ किया है, विल हैव, विल ऑल्सो हैव अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है। आर्टिकल ए दिया है, उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, कॉमन हमारा एडजेक्टिव हो गया, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है। सो
द सेना, द सेना भारतीय जनता पार्टी, द सेना भारतीय जनता पार्टी प्री पोल अलायंस, ठीक है, प्री पोल अलायंस, सेना और भारतीय जनता पार्टी की प्री पोल अलायंस की बात हो रही है। द दिया हुआ है, द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो सेना भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, यहाँ तक हमारा प्री पोल अलायंस, ठीक है, इसके हमारे यहाँ तक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। प्री पोल अलायंस हैड वॉन दी मैंडेट, ठीक है, हैड वॉन दी मैंडेट। अब हैड दिया है तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए वॉन क्या हो गया, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। हैड वॉन दी मैंडेट, द आ गया ना, द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो मैंडेट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। एंड देयर सब्सिक्वेंट स्प्लिट, एंड देयर सब्सिक्वेंट स्प्लिट, ठीक है, सब्सिक्वेंट हमारा सिंगुलर हो गया, इसलिए हमने स्प्लिट की बात की है। सब्सिक्वेंट स्प्लिट इज एक्सप्लेन, ठीक है, सब्सिक्वेंट स्प्लिट की हम पूरी की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने इज का यूज़ किया है, ठीक है। सब्सिक्वेंट स्प्लिट इज एक्सप्लेन्ड, अब देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन का यूज़ किया है। अब देखोगे कि इज आर एम के बाद वैसे तो आई एन जी फॉर्म आता है, लेकिन जब भी इज आर एम के बाद में या फिर वॉज वर्ब के बाद में जब भी हमारा ये दिया हुआ हो, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, आई एन जी ना दिया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, तो वो हमारा किस में होता है, पैसिव में होता है। किस में होता है, पैसिव में होता है, ये मैंने एरर डिटेक्शन की वीडियो में भी आपको बताया है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होता है कि जब इज आर एम या फिर वॉज वर्ब इनके बाद में आई एन जी का यूज़ ना हो के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा हो, तो वो आपका पैसिव में होता है, ठीक है। सो इज एक्सप्लेन्ड ओनली बाय दिस एग्रीमेंट, ठीक है, बाय क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, उसके बाद आपका नाउन आएगा, तो दिस एग्रीमेंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया। ओवर पावर शेयरिंग, ठीक है, ओवर क्या होता है, ओवर हमारा प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, लेकिन ओवर यहाँ पे हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओवर का यूज़ कर रहे हैं एज अ कैसे, प्रेपोजिशन, ठीक है, एज ए प्रेपोजिशन का यूज़ हम यहाँ पे ओवर का कर रहे हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और प्रेपोजिशन का यूज़ हम ऐसे कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन की बात नाउन आना चाहिए, तो पावर शेयरिंग क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ठीक है, पावर शेयरिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। फ्रेंड्स इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और कॉमन हमारे यहाँ पे किस तरह से यूज़ हो रहा था, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा था, अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ जैसे वर्ड्स आते हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि इनका मीनिंग क्या है। जैसे अपार्ट आया था हमारा, अपार्ट, अपार्ट का मतलब क्या होता है, आपका अलग करना, ठीक है, अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग करना। द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ दी, द इनकॉन्ग्रिटी, अच्छा, इनकॉन्ग्रिटी का मतलब, जैसे अपार्ट हमारे यहाँ पे, तो अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें कि इनकॉन्ग्रिटी का मतलब क्या होता है, इनकॉन्ग्रिटी, ओके, वन सेकेंड, ओके, सो हमारा इनकॉन्ग्रिटी का क्या मीनिंग होता है, इनकॉन्ग्रिटी का मीनिंग हमारा होता है कि अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता। तो इसके महाराष्ट्र अलायंस की अयोग्यता की बात हो रही है। कांट बी ओवरकम बाय अ कॉमन प्रोग्राम, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बैड फेलोज, ठीक है। ओवरकम, ओवरकम का मतलब क्या होता है, काबू पाना, ठीक है। कांट बी ओवरकम यानी कि किसी चीज़ पर काबू पाना, यानी कि जो अयोग्यता है महाराष्ट्र अलायंस की, उस पर काबू पाना इज़ नॉट, कांट बी ओवरकम, ठीक है, कांट बी ओवरकम, द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द महाराष्ट्र अलायंस कांट बी ओवरकम बाय अ कॉमन प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र अलायंस की जो अयोग्यता है उस पर काबू पाना, ठीक है, कॉमन प्रोग्राम के द्वारा इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बैड फेलोज, बैड फेलोज का मतलब क्या हो गया, पड़ोसी, बैड फेलोज का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बैड फेलोज, स्ट्रेंज मतलब साथी जो है बनते हैं। बट द एमरजेंट कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बट दी एमरजेंट, ठीक है, बट दी एमरजेंट कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस शिवसेना पार्टी शिवसेना अलायंस इन महाराष्ट्र पुशेज द बाउंड्रीज ऑफ दिस टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से सच बयान, ठीक है, स्पष्ट रूप से सच बयान देना, उसको बोलते हैं टूरिज्म, ठीक है। तो बट दी एमरजेंट कांग्रेस, एमरजेंट का मतलब क्या होता है, अस्तित्व में आने वाली, ठीक है, तो अस्तित्व में कौन आई है, कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शिवसेना अलायंस, यानी कि इन दोनों का जो अलायंस है, ठीक है, वो आपका अस्तित्व में आया है। तो इन महाराष्ट्र, किस में आया है, महाराष्ट्र में आया है। तो ये अलायंस जो है क्या पुश कर रहा है, बाउंड्रीज ऑफ द टूरिज्म, यानी कि जो स्पष्ट रूप से सच बयान, यानी कि जो आपका ट्रू है एक तरह से बात, उसको आपका उसकी बाउंड्रीज को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। द सेना, द सेना विल लीड द अलायंस फॉर अ 5 ईयर टर्म, ठीक है, द सेना विल लीड द अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है, गठबंधन, ठीक है, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। द सेना विल लीड द अलायंस फॉर अ फुल 5 ईयर टर्म, यानी कि जो गठबंधन है ये 5 साल तक चलेगा, इफ इट सर्वाइव दैट इज, ठीक है, इफ इट सर्वाइव दैट इज अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टीज। तो यानी कि कोई भी गठबंधन तभी चलेगा जब उन दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। द सेना विल लीड द अलायंस फॉर अ फुल 5 ईयर टर्म, इफ इट सर्वाइव दैट इज अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स हु विल ऑल्सो हैव अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। द सेना भारतीय जनता पार्टी
प्री पोल अलायंस, ठीक है, हु हैड द हैड वन द मैंडेट। अच्छा, मैंडेट का मतलब क्या होता है? मैंडेट का मतलब शासनादेश, ठीक है, शासनादेश, शासन की तरफ से जो आदेश आया था उसको कौन जीता है, उसको कौन जीता है, सेना और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, ठीक है, वो हैड वन द मैंडेट एंड देयर सब्सिक्वेंट स्प्लिट इज एक्सप्लेन ओनली बाय डिसएग्रीमेंट्स ओवर पावर शेयरिंग, ठीक है। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद वाला, ठीक है, सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, टू एंड देयर सब्सिक्वेंट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित हो जाना, किसी चीज़ का खंडित हो जाना, उनका जो बाद में जो उसका विभाजन हुआ, खंडित, खंडन हुआ, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है ओनली बाय डिसएग्रीमेंट्स। कैसे एक्सप्लेन किया था? ओनली बाय डिसएग्रीमेंट्स, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हुआ दोनों पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग के लेकर, इसलिए हमारा क्या हुआ, स्प्लिट हुआ दोनों पार्टीज के बीच में, ठीक है। सो उसमें आगे क्या दिया हुआ है कि द न्यू कॉलिजन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉपुलर विल। ओके, द न्यू कॉल, द आया हमारा, द क्या है हमारा, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, नाउन का यूज़ करेंगे, तो हमारा कॉलिजन क्या हो गया, नाउन हो गया, न्यू हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो कि न्यू किसको बता रहे हैं, कॉलिजन को बता रहे हैं, तो नाउन को कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, जो कि हमारा न्यू क्या है, एडजेक्टिव है, और कॉलिजन क्या है, नाउन है, ठीक है। द न्यू कॉलिजन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन, इज नॉट अ रिफ्लेक्शन, आर्टिकल आ गया, आर्टिकल ए के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑफ आ गया, ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो ऑफ के बाद नाउन आता है, और द के बाद भी नाउन आता है, राइट, द के बाद भी नाउन आता है, ऑफ के बाद भी नाउन आता है, तो नाउन क्या हो गया, पॉपुलर विल, विल हमारा नाउन हो गया, पॉपुलर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, पॉपुलर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, द पॉपुलर विल एंड ऑल थ्री पार्टीज, एंड एंड के बाद लगा दिया ऑल थ्री, अब ऑल थ्री की बात हो रही है, इसलिए हमारा पार्टीज लिखेंगे, पार्टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑल है ना, ठीक है, ऑल थ्री मोर देन वन है, इसलिए हमने पार्टीज लिखा है। उसके बाद विल आ गया, अब विल, विल शैल के बाद मैंने आपको बताया था, विल शैल के बाद क्या आता है, हैव आता है, विल हैव अ, अब आर्टिकल ए आ गया ना, तो नाउन आएगा, क्या आ गया, नाउन प्राइस, ठीक है, विल हैव अ प्राइस टू पे, अब टू आ गया, टू के बाद आप जानते हो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने पे का यूज़ किया है, ठीक है, पे का यूज़ किया है, टू पे फॉर दिस ट्रांसग्रेशन, फॉर दिस, फॉर आ गया, फॉर, फॉर क्या हमारा प्रपोजिशन है, और फॉर के बाद आपका नाउन आएगा, तो ट्रांसग्रेशन क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, ठीक है, फॉर दिस ट्रांसग्रेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कांग्रेस एंड दी एनसीपी, ठीक है, कांग्रेस एंड दी एनसीपी विल हैव टू एक्सप्लेन। नाउ कांग्रेस और एनसीपी की बात हो रही है, इन दोनों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कांग्रेस एंड दी एनसीपी विल दिया हुआ है, विल के बाद आपका हैव आ गया, ठीक है, हैव आ गया, विल के बाद, विल और शैल के बाद हैव आता है, मैंने आपको बताया था, मतलब विल और शैल के बाद हम हैज़ का यूज़ नहीं करते, हैव का यूज़ कर सकते हैं, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हैव का ही यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। विल हैव टू एक्सप्लेन, अब टू आ रहा है, टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए हमने एक्सप्लेन का यूज़ किया है, एक्सप्लेन किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और एक्सप्लेन्ड क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, टू एक्सप्लेन देयर कॉम्प्रोमाइज़ विद द सेना, ठीक है, देयर का, अब तो हमने देयर का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एंड लगा के यूज़ हो रहे हैं ना, तो प्लूरल, जब एंड लगा के कोई दो सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हो तो वो प्लूरल बन जाता है ना, क्या बन गया, प्लूरल बन गया, इसलिए हमने यहाँ पे देयर का यूज़ किया है, एक्सप्लेन देयर कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, देयर कॉम्प्रोमाइज़, अब देयर कॉम्प्रोमाइज़ ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, विद द सेना टू देयर वोटर्स, ठीक है, देयर कॉम्प्रोमाइज़ किसके साथ, सेना के साथ, विद द सेना, द आ गया ना, द के बाद क्या आएगा हमारा, द के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, सेना क्या हो गया, नाउन हो गया, टू देयर वोटर्स, टू आ गया, टू क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद अगर हम नाइन का यूज़ करेंगे तो हमारा नाउन जो है यूज़ हो जाएगा, लेकिन अगर हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है, सो टू देयर वोटर्स, चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है कि द सेना, द आ गया ना, उसके बाद नाउन आ गया, सेना, द सेना विल, विल आ गया, विल के बाद मैंने बताया था, विल शैल के बाद हैव आता है, विल हैव टू, टू आ गया, टू के बाद क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है, तो एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, विल हैव टू एक्सप्लेन इट्स डाइल्यूशन, इट्स किसके लिए आया, सेना के लिए आया, ठीक है, अब इट्स सेना के लिए आया है तो सिंगुलर है ना, इसलिए हमने इट्स का यूज़ किया है, और इट्स क्या, डाइल्यूशन, ठीक है, इट्स डाइल्यूशन, ऑफ, ऑफ क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद नाउन आएगा, तो द के बाद भी नाउन आता है, तो नाउन कहाँ पर है हमारा, ये रहा, हिंदुत्व एजेंडा, ठीक है, हिंदुत्व एजेंडा, ये हमारा नाउन हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, विच कुड नाउ, अब विच किसके लिए यूज हुआ है, हिंदुत्व एजेंडा के लिए यूज हुआ है, ठीक है, विच कुड नाउ, अब कुड क्या है हमारा, मॉडल वर्ब है, ठीक है, कुड हमारा मॉडल वर्ब है, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा कुड के बाद अगर बी लग जाता है, ठीक है, बी मॉडल वर्ब के बाद में अगर हम बी का यूज़ करते हैं, तो फिर उसके बाद जो वर्ब यूज़ होती है वो आपकी थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है, तो देखो आप अप्रोप्रिएट जो यूज़ हुआ है वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, अप्रोप्रिएटेड, ठीक है, लेकिन अगर हम कुड के बाद बी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम कुड के बाद बी का यूज़ नहीं कर रहे हैं और सीधे सीधे वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर हम बी का यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर हमारा वर्ब जो है किसमें बन जाता है, थर्ड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या लिखा है कि हिंदुत्व एजेंडा के लिए विच आ गया, ठीक है, तो विच कुड नाउ बी सोलली अप्रोप्रिएटेड, सोलली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, किसके लिए, अप्रोप्रिएटेड के लिए, अब देखो अप्रोप्रिएटेड क्या है, वर्ब है ना, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, इसलिए हमने सोलली जो है
में हमारा एज ए नेटवर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सोली अप्रोप्रिएटेड बाय दी बीजेपी। बाय क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, इसलिए द बीजेपी, यानी कि द के बाद भी हमारा नाउन आता है तो बीजेपी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, द बीजेपी। हम एक एक चीज़ को समझेंगे इसमें, ठीक है, कहाँ पर हमारा किस तरह से नाउन आ रहा है, किस तरह से वर्ब आ रहा है, किस तरह से एडजेक्टिव आ रहा है, किस तरह से एडवर्ब आ रहा है, प्रपोजिशन की बात क्या आता है, कंजंक्शन की बात क्या आता है, सारी चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे, जिससे कि हमारा जो ग्रामर है वो बहुत ही अच्छी हो जाए और एरर फाइंड आउट करने में हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो उसके बाद क्या है, डेस्टिन्ड टू बी द टारगेट ऑफ द बीजेपी स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। ठीक है, डेस्टिन्ड आ गया हमारा, उसके बाद टू बी द टारगेट। ठीक है, टू बी द टारगेट, टू बी, अब टू बी के बाद हम टारगेट का यूज़ कर रहे हैं, तो टू के बाद अगर हम बी का यूज़ कर देते हैं ना, तो उसके बाद हमारा नाउन आएगा। ठीक है, नाउन आ गया द टारगेट। ठीक है, अगर हम बी, अगर हम टू बी के बाद, टू बी, टू बी के बाद अगर हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो वो तो थर्ड फॉर्म में रहेगी, लेकिन अगर हम नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो सीधे सीधे नाउन हमारा यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर हम नाउन का यूज़ करें तो हमारा टारगेट क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, और हमारा आर्टिकल द लगे तो आर्टिकल द के बाद भी नाउन आता है, इसलिए हमारा टारगेट क्या हो गया, नाउन हो गया। सो डेस्टिन्ड टू बी द टारगेट ऑफ द बीजेपी स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। द आ गया फिर से, और द के बाद आपका क्या आता है, नाउन आता है, तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स जो हमारा क्या हो गया, टैक्टिक्स क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, कि टैक्टिक्स किसकी है, बीजेपी की। ठीक है, बीजेपी और टैक्टिक्स क्योंकि बीजेपी की है इसलिए हमने पोजेशन का यूज़ हमने किया है एपोस्ट्रोफी एस लगा के। ठीक है, द कॉलेजियल स्टेबिलिटी, द लगाए, द के हमारा आर्टिकल हो गया। ठीक है, द के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो स्टेबिलिटी क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। और कॉलिजन क्या है, कॉलिजन स्टेबिलिटी, ठीक है, किसकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ये देखो कॉलिजन स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पोजेशन का यूज़ हमने किया है। कॉलिजन स्टेबिलिटी रिमेन्स एंड इम्पॉन्डरेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है हमारा, सिंगुलर है, स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे रिमेन्स का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद इम्पॉन्डरेबल, इम्पॉन्डरेबल आपका आई से स्टार्ट हो रहा है, जब भी कोई वर्ड जो है हमारा जो वोवल, वोवल से, वोवल, ये वोवल से या फिर वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग आपको इसमें परेशान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोलिशन है, कोलिशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन होता है। ठीक है, द न्यू कोलिशन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉपुलर विल। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड ऑल थ्री पार्टीज़ विल हैव अ प्राइस टू पे फॉर दिस ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को भंग करना। ठीक है, तो उल्लंघन करना, इस तरह से हम ट्रांसग्रेशन का यूज़ करते हैं। ओके, सो द न्यू कॉलिशन इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉपुलर विल, यानी कि जो न्यू कॉलिशन है, जो न्यू गठबंधन है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है पॉपुलर विल का, यानी कि एक विल पावर हो उसमें, ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ये गठबंधन जो है टूट भी सकता है। ठीक है, एंड ऑल थ्री पार्टीज़ विल हैव अ प्राइस, ऑल थ्री पार्टीज़ विल हैव अ प्राइस टू पे फॉर दिस ट्रांसग्रेशन, और सभी तीनों पार्टीज़ को इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, इस ट्रांसग्रेशन के लिए, इस उल्लंघन के लिए। ठीक है, पे करना पड़ेगा। कांग्रेस एंड दी एनसीपी, कांग्रेस एंड दी एनसीपी विल हैव टू एक्सप्लेन देयर कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, कांग्रेस और एनसीपी को अपना कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द सेना। ठीक है, सेना के साथ, टू देयर वोटर्स। ठीक है, अपने वोटर्स के लिए, टू देयर वोटर्स। द सेना विल हैव टू एक्सप्लेन इट्स डायल्यूशन, और सेना को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना डायल्यूशन। ठीक है, सेना विल हैव टू एक्सप्लेन इट्स डायल्यूशन ऑफ द हिंदुत्व एजेंडा। सेना का जो हिंदुत्व एजेंडा है, उसका जो डायल्यूशन हुआ है, उसको सेना को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, विच कुड नाउ बी सोली, अच्छा मैं इसमें बताती हूँ आपको कि डायल्यूशन का मतलब क्या होता है, विलियन, यानी कि किसी चीज़ का डायल्यूजन, यानी कि किसी चीज़ से हट जाना, थोड़ा डिस्टेंट क्रिएट कर लेना, हिंदुत्व एजेंडा। ठीक है, यानी कि पहले किसी चीज़ का ये वही था जो हिंदुत्व एजेंडा के बारे में बहुत बात करती थी, लेकिन उसका अब क्या हो गया, डायल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऑफ द हिंदुत्व एजेंडा विच कुड नाउ बी सोलली, सोलली का मतलब क्या होता है, केवल। ठीक है, सोलली का मतलब क्या होता है, केवल। तो विच कुड नाउ बी सोलली अप्रोप्रिएटेड बाय द बीजेपी। ठीक है, सोलली अप्रोप्रिएटेड बाय द बीजेपी। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, हड़पना। ठीक है, यानी कि जो सेना का पहले हिंदुत्व एजेंडा था, उसका तो अब डायल्यूशन हो गया है, लेकिन अब हिंदुत्व एजेंडा को कौन अप्रोप्रिएट कर सकता है, कौन कर सकता है, बीजेपी। ठीक है, बीजेपी कर सकता है, इसलिए लिखा है विच कुड नाउ बी सोलली अप्रोप्रिएटेड बाय द बीजेपी, डेस्टिन्ड टू बी द टारगेट ऑफ द बीजेपी स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। ठीक है, डेस्टिन्ड टू बी द, डेस्टिन्ड का मतलब क्या होता है, तय होना। ठीक है, पहले से कोई चीज़ फिक्स होना, तय होना। ठीक है, तय होना, डेस्टिन्ड होना, डेस्टिन टू बी द टारगेट ऑफ द बीजेपी स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। ठीक है, डेस्टिंड यानी कि ये तय है, यानी कि पहले से फिक्स है कि टारगेट होगा किसका, बीजेपी की स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स का, बीजेपी की स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स का। टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, युक्ति, यानी कि कोई युक्ति, यानी कि कोई योजना। ठीक है, टैक्टिक्स होता है, ठीक है, टैक्टिक्स या फिर कार्यनीति। ठीक है, कार्यनीति,
तो टैक्टिक्स द कॉलिशंस, ठीक है, डेस्टिन टू बी द टारगेट ऑफ द बीजेपी स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स द कॉलिशन स्टेबिलिटी, यानी कॉलिशन की जो गठबंधन की जो स्टेबिलिटी है, यानी कि गठबंधन कब तक टिकेगा, ठीक है, कॉलिशन की जो स्टेबिलिटी है रिमेन्स एन इम्पॉन्डरेबल, इम्पॉन्डरेबल क्या मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट, ठीक है, इम्पॉन्डरेबल के मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट, यानी किसी चीज़ को एस्टिमेट करना इम्पॉसिबल हो कि वो कब तक टिकेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने इसका यूज़ किया, एंड आपने देखा कि हमने इसका ग्रामर तरीके से भी देखा और वोकैब को भी देखा और इसका को भी पूरा देखा कि एडिटोरियल क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेसेस पे। सो इसमें क्या क्या दिया है कि द इनअप्रिएटनेस ऑफ दी दिस अलायंस, तो पहले हम इसको ग्रामर तरीके से देखेंगे, द इनअप्रोप्रिएटनेस की बात हो रही है, द क्या है हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल की बात क्या आता है नाउन आता है, तो इनअप्रोप्रिएटनेस क्या हो गया नाउन हो गया, ऑफ आ गया, ऑफ क्या होता है प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन की बात क्या आता है नाउन आता है, तो अलायंस क्या हो गया नाउन हो गया, ठीक है। ऑफ दिस अलायंस इज, अब इनअप्रोप्रिएटनेस की बात हो रही है ना, इनअप्रोप्रिएटनेस हमारा सिंगुलर है, इसके लिए हमने इज का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। इज हाउ एवर प्लेन एंड क्लियर, इज हाउ एवर कैसा है प्लेन है और क्लियर है, कैसा है प्लेन है और क्लियर है, तो इनअप्रोप्रिएटनेस की बात हो रही है और वो कैसा है प्लेन है और क्लियर है, तो उसके हम एक तरह से विशेषता बता रहे हैं, एक तरह से उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि कैसा है वो प्लेन है और क्लियर है, तो हमारे प्लेन और क्लियर क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। प्लेन एंड क्लियर, द ओनस, द क्या हो गया हमारा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद क्या होता है नाउन आता है, तो ओनस हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, ठीक है, ओनस से हमारा यहाँ पे क्या हो गया नाउन हो गया, द ओनस इज, अब ओनस क्या है सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज़ किया है, ऑन द लीडर्स, ठीक है, ऑन क्या है प्रेपोजिशन है और द क्या है हमारा आर्टिकल है, और प्रेपोजिशन और आर्टिकल दोनों के बाद ही हमारा नाउन आता है, इसलिए लीडर्स क्या हो गया नाउन हो गया। उसके बाद क्या दिया टू, टू क्या हो गया हमारा प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, इसलिए प्रूव क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, और नाउन का यूज़ करें तो नाउन का यूज़ भी हम प्रेपोजिशन की बात हमारा नाउन का यूज़ होता ही होता है, लेकिन अगर हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। द टू प्रूव द, द आ गया द सेप्टिक्स ऑफ सेप्टिक्स रॉन्ग ऑन दिस काउंट, ठीक है, अब द आ गया तो क्या आर्टिकल है, आर्टिकल कहते हैं नाउन, नाउन आता है तो नाउन क्या हो गया सेप्टिक्स हो गया, ठीक है, सेप्टिक्स रॉन्ग ऑन दिस काउंट, ठीक है, रॉन्ग ऑन आ गया, ऑन क्या हो गया हमारा प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है तो काउंट क्या हो गया हमारा नाउन हो गया, ठीक है, ऑन दिस काउंट एंड एक्सट्रैक्ट सम गुड आउट ऑफ इट, ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट सम गुड आउट ऑफ इट, यानी कि उसमें से कुछ गुड को निकालने की बात जो है हो रही है, ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट सम गुड आउट ऑफ इट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए तो इस तरह से हमने यहाँ तक इसको देखा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट सम गुड आउट ऑफ इट, ठीक है। चलिए उसके आगे क्या दिया कि द लीडर्स ऑफ थ्री पार्टीज, द आ गया आर्टिकल आ गया, आर्टिकल क्या क्या आ गया नाउन आएगा, नाउन आ गया द लीडर्स ऑफ थ्री पार्टीज, ठीक है, तो लीडर्स हमारा क्या हो गया नाउन हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ऑफ द थ्री पार्टीज, ऑफ क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया, आर्टिकल क्या हो गया द हो गया, तो ऑफ प्रपोजिशन आर्टिकल द दोनों के बाद हमारा नाउन आता है, तो थ्री पार्टीज हमारा क्या हो गया, पार्टीज हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, ठीक है। पार्टीज मे हैव फाउंड द, मे आ गया हमारा, मे क्या है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब की बात आप जानते हो क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के बाद में हैव दिया हुआ हो या फिर बी दिया हुआ हो तो हमारी जो वर्ब आती है फिर वो कैसी हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाती है। अब देखो हैव दिया हुआ है ना, इसलिए हमारा जो वर्ब आ रही है फाउंड, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है फाइंड होती है, लेकिन हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया फाउंड का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि हैव आ रहा है, ठीक है। अगर हैव की जगह अगर बी आ रहा होता तो भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते, तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा होता है ना हैव ना बी, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी मॉडल वर्ब आए तो इस तरह से इनका यूजेस होता है, ठीक है। तो मे हैव फाउंड द अपॉर्चुनिटी, द क्या हो गया हमारा आर्टिकल हो गया, ठीक है, आर्टिकल के बाद क्या होता है नाउन आता है, तो अपॉर्चुनिटी क्या हो गया नाउन हो गया। टू, टू क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है नाउन आता है, लेकिन अगर नाउन ना देके हमें वर्ब यूज़ करना हो तो वर्ब कैसी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, तो इसलिए हमने डैनी का यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या किया है। डैनी द बीजेपी, द आ गया नाउन आएगा, बीजेपी नाउन हो गया, ठीक है, द बीजेपी अ सेकेंड कंसेक्यूटिव अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल ए आ गया, क्या हो गया आर्टिकल हो गया, आर्टिकल क्या क्या होना क्या आता है नाउन आता है, अपॉर्चुनिटी हमारा नाउन हो गया, उससे पहले जो हम सेकंड कंसेक्यूटिव इनका यूज़ करेंगे वे हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड कंसेक्यूटिव अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है सेकंड, सेकंड क्या हमारा यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है, सेकंड यहाँ पर एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, कंसेक्यूटिव एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है, सेकंड कंसेक्यूटिव अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप जानते हो नाउन आता है, नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, इसलिए हमारा सेकंड जो है हमारा एडवर्ब हो गया, और कंजुगेटिव क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, और अपॉर्चुनिटी क्या हो गया नाउन हो गया। टू, टू क्या आ गया प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा नाउन, लेकिन नाउन ना दिया हो और तो हमारा क्या आएगा वर्ब आएगा, वर्ब के बाद हमारा वर्ब हमारा कैसा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है, इसलिए रूल क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। टू रूल द, द आ गया आर्टिकल यूज़ हो गया, आर्टिकल के बाद क्या होता है नाउन होता है, स्टेट क्या हो गया नाउन हो गया, ठीक है। द स्टेट वेरी टेम्पटिंग, ठीक है, वेरी टेम्पटिंग हमने यूज़ किया है, टेम्पटिंग हमारा
इसके बारे में बता रहे हैं कि जो रूल था वो कैसा था, वेरी टेम्पटिंग था, टेम्पटिंग था, ठीक है, टेम्पटिंग था और वेरी था, यानी कि वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो वेरी टेम्पटिंग एंड सम सम क्लैशेज, सम आ गया हमारा सम क्लैशेज, ठीक है, सम क्लैशेज विद इन द बीजेपी, ठीक है। सम हमारा क्या है, हमारा डिटर्मिनर की तरह यूज़ हो रहा है, कैसे, डिटर्मिनर की तरह हमारा यूज़ हो रहा है, सम सम क्लैशेज विद इन द बीजेपी, और डिटर्मिनर के बाद हमारा नाउन आएगा, तो इसलिए क्लैशेज हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, सम क्लैशेज विद इन द बीजेपी, ठीक है। ओके, सम क्लासेज विद इन द बीजेपी ऑल्सो कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सिचुएशन, ओके। सो सम क्लासेज विद इन द बीजेपी, विद इन हमारा क्या हो गया, हमारा विद इन जो होता है वो फ्रेंड प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है। यहाँ पर हमारा जो विद इन है वो हमारा प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है, विद इन द बीजेपी, और प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन आता है, इसलिए हमारा द, और द के बाद भी नाउन आता है, राइट, तो द के बाद भी नाउन आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, इसलिए हमारा बीजेपी क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑल्सो कुड हैव, ऑल्सो कुड हैव, कुड हमारा क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, और मैंने आपको अभी भी बताया था कि मॉडल वर्ब अगर यूज़ हो और उसके बाद अगर हमारा हैव आए या फिर बी आए तो फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए हमारा ये कंट्रीब्यूट जो है कंट्रीब्यूटेड लिखा है, कंट्रीब्यूटेड क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब मॉडल वर्ब के बाद में या तो हैव दिया हुआ हो या फिर बी दिया हुआ हो, ठीक है, तो इसलिए हमारा कंट्रीब्यूटेड यहाँ पर सही है, कंट्रीब्यूटेड टू द सिचुएशन, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन आता है, तो द सिचुएशन हमारा द के बाद भी नाउन आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा नाउन हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए उसके बाद क्या हुआ है, एज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, एज फॉर्मर, अच्छा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वॉज, अब देवेंद्र फडणवीस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज का यूज़ किया है, वॉज एमर्जिंग, ठीक है, वॉज एमर्जिंग। अब यहाँ पे हम देवेंद्र फडणवीस की ही बात कर रहे हैं कि वो एमर्ज हो रहे थे, तो यानी कि ये पैसिव में नहीं है, जब सब्जेक्ट हमारा खुद वर्क कर रहा है तो हमारा किस में होता है, वो आपका पैसिव में नहीं होता है, जब सब्जेक्ट पर वर्क किया जा रहा होता है तो हमारा पैसिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा है यानी कि सब्जेक्ट एमर्ज हो रहा है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये पैसिव में नहीं है, तो इसलिए हमने आईएनजी का यूज़ हमने किया है, और सब्जेक्ट पे ही अगर वर्क हो रहा होता ना तो हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे होते, ठीक है। तो ये मैंने आपको अलग डिटेक्शन वाली वीडियोस में भी समझाया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो फडणवीस वॉज एमर्जिंग एज अ फोर्स टू रैकन विद इन दिस विद इन द संघ परिवार यूनिवर्स, एमर्जिंग एज अ फोर्स, आर्टिकल ए आ गया, नाउन आएगा, उसके बाद फोर्स क्या हो गया, नाउन हो गया, टू आ गया, टू क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद हमारा नाउन आ गया, नाउन नहीं हो, अगर मैं वर्ब यूज़ करना है तो वर्ब हमारे यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो वर्ब हमारे किस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। टू रैकन विद इन द संघ परिवार यूनिवर्स, ठीक है, विद इन, अगर हमारा विद इन हमारा क्या हो गया, पूरा बहुत दिन हमारा क्या हो रहा है, प्रपोजिशन की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है, प्रपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, संघ परिवार यूनिवर्स हमारा नाउन हो गया, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है तो द के बाद भी नाउन होता है, ठीक है, द के बाद भी हम किसके यूज़ करते हैं, द के बाद भी हम नाउन के यूज़ करते हैं, तो द संघ परिवार यूनिवर्स हमारा क्या हो गया, पूरा नाउन हो गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इसमें क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले आ रहा है इनअप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, तो इनअप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है, अनुपयुक्तता, ठीक है, रॉन्गफुलनेस, किसी चीज़ की, किसी चीज़ की उपयोगी नहीं है, ठीक है, अनुपयुक्तता जो होती है उसको हम बोलते हैं अनुपयुक्तता, ठीक है, सो अनुपयुक्तता, ओके, अनुपयुक्तता ऑफ दिस अलायंस इज हाउ एवर प्लेन एंड क्लियर, ठीक है, तो यानी कि इस अलायंस की जो इनअप्रोप्रिएटनेस है, यानी कि ज़रूरत नहीं थी फिर भी ये अलायंस जो है हुआ, तो ये क्या है, प्लेन है और क्लियर है, ठीक है, यानी कि इनअप्रोप्रिएटनेस है इसके अंदर, ये प्लेन है और क्लियर है, ठीक है। द ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब क्या होता है, भार या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कर्तव्य, ठीक है, कोई कर्तव्य हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उसको हम ऑनर्स बोलते हैं। द ऑनर्स इज ऑन द लीडर्स टू प्रूव द सेप्टिक्स रॉन्ग ऑन दिस काउंट, सेप्टिक्स का मतलब क्या होता है, संदेह करने वाले, ये जो संदेह इस अलायंस पे जो संदेह कर रहे हैं उनको अगर रॉन्ग प्रूव करना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स के ऊपर है, ठीक है। द ऑनर्स इज ऑन द लीडर्स, यानी कि ऑनर्स यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर, लीडर्स के ऊपर है, क्या प्रूफ करने के लिए, सेप्टिक्स को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, ठीक है, सेप्टिक्स यानी कि संदेह करने वाले, ऑन दिस काउंट एंड एक्सट्रैक्ट सम गुड आउट ऑफ इट, और इस अलायंस में से क्या करना है, कुछ गुड हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द थ्री पार्टीज, यानी कि थ्री पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, मे हैव फाउंड द अपॉर्चुनिटी, द लीडर्स ऑफ थ्री पार्टीज मे हैव फाउंड द अपॉर्चुनिटी टू डैनी द बीजेपी अ सेकंड कंजुगेटिव अपॉर्चुनिटी, द लीडर्स ऑफ थ्री पार्टीज मे हैव फाउंड द अपॉर्चुनिटी, यानी कि लीडर्स को क्या मिला, थ्री पार्टीज़ के जो लीडर्स को क्या मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, क्या अपॉर्चुनिटी मिली, बीजेपी को डैनी करने के लिए अ सेकंड कंजुगेटिव अपॉर्चुनिटी टू रूल द स्टेट वेरी टेम्पटिंग, यानी कि बीजेपी की सत्ता द्वारा स्टेट में आने से रोकने के लिए इनको लीडर्स को क्या मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। अब टू डैनी द बीजेपी सेकंड कंजुगेटिव पार्टी टू रूल द स्टेट वेरी टेम्पटिंग, ओके। सो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है इसमें, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है इसमें, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना किसी चीज़ को, एब्यूज़ करना, डिट्रैक्ट करना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट यानी कि किसी इस अलायंस में से क्या एक्सट्रैक्ट करना, कुछ इंपॉर्टेंट गुड एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, निकालना, ठीक है। सो इस तरह से हमने यूज़ किया, एंड उसके बाद क्या है आपका, टेम्पटिंग का यूज़ हुआ है, ठीक है,
ओके सो मे हैव फाउंड द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द बीजेपी अ सेकंड कंसेक्यूटिव अपॉर्चुनिटी टू रूल द स्टेट वेरी टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? मोह लेने वाला या कोई कोई चीज़ आकर्षित करने वाली होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेम्पटिंग। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी टू रूल द स्टेट वेरी टेम्पटिंग। नाउ सम क्लैशेज विद इन द बीजेपी, सम क्लैशेज विद इन द बीजेपी यानी क्लैशेज की बात हो रही है। क्लैशेज का मतलब क्या होता है? कॉलिजन, ठीक है, प्रिकर्शन, प्रकर्शन यानी कि टकराना, इस तरह से टकराना की तरह हम इसका समझ सकते हैं। क्लैशेज विद इन द बीजेपी यानी बीजेपी के अंदर जो क्लैशेज हुए हैं, जो कुछ मतभेद हुए हैं, ऑल्सो कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सिचुएशन। तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी कुछ कंट्रीब्यूशन गया है इस सिचुएशन को, ठीक है, उसकी वजह से भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है इस सिचुएशन को, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई, ठीक है। एज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वॉज इमर्जिंग एज अ फोर्स टू रैकन विद इन द संघ परिवार यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस हैं, वो एज अ इमर्जिंग इमर्ज कर रहे थे एज अ फोर्स, फोर्स की तरह टू रैकन, रैकन यानी कि कंसिडर करना, मानना, अनुमान लगाना, ठीक है, विद इन द संघ परिवार यूनिवर्स, संघ परिवार के अंदर, ठीक है। रैकन का मतलब ध्यान में रखिएगा, रैकन का मतलब क्या होता है? रैकन का मतलब होता है मानना या अनुमान लगाना या कंसिडर करना किसी चीज़ को, ठीक है, टू रैकन विद इन द संघ परिवार यूनिवर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ वर्ड्स की मीनिंग इस पैसेज के अंदर, ठीक है, इस पैसेज के अंदर। और ये पैसेज के अंदर जो इस पूरे एडिटोरियल के अंदर मैं आपको जो भी आपको वोकैब बताने वाली है, उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। सो डिस्पाइट द आइडियोलॉजिकल कोहेजन द हिंदू तो बैंड वैगन, ठीक है, द हिंदू तो बैंड वैगन, ठीक है। सो डिस्पाइट द आइडियोलॉजिकल कोहेजन, डिस्पाइट क्या होता है? हमारा प्रेपोजिशन होता है। डिस्पाइट क्या होता है? प्रेपोजिशन ही होता है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है? नाउन आता है, इसलिए द लगा के हमने नाउन का यूज़ किया है, और द के बाद भी नाउन आता है ना, इसलिए आइडियोलॉजिकल कोहेजन, कोहेजन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। आइडियोलॉजिकल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जो कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कोहेजन, द आ गया, फिर से द के बाद क्या हो गया? नाउन आएगा, तो नाउन क्या हो गया हमारा? हिंदू तो बैंड वैगन, ठीक है। बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? बैंडवेगन का मतलब होता है अचानक लोकप्रिय होना, ठीक है, अचानक कोई चीज़ लोकप्रिय हो जाए, फेमस हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं बैंडवेगन। और कोहेजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो कोहेजन यूज़ हो रहा है उसका मतलब क्या होता है? एकजुटता, एफिनिटी यानी कि लगाव किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, एकजुट एफिनिटी होना यानी कि एकता होना, ठीक है, और लगाव होना, ठीक है। डिस्पाइट द आइडियोलॉजिकल कोहेजन द हिंदू तो बैंड वैगन डिड नॉट होल्ड टुगेदर, ठीक है, यानी कि आइडियोलॉजिकल कोहेजन होने के बावजूद, ठीक है, यानी कि आइडियोलॉजिकल कोहेजन यानी कि एक विचारधारा, ठीक है, आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है वैचारिक यानी कि विचारधारा होने के बाद भी क्या हुआ? विचारधारा होने के बाद भी ये जो हिंदुत्व बैंड वैगन है, हिंदुत्व बैंड वैगन है यानी कि हिंदुत्व का जो एक अचानक जो लोकप्रिय हुई थी वो चीज़ हिंदुत्व एजेंडा टाइप, तो उस तरह से वो आपका होल्ड टुगेदर डिड नॉट होल्ड टुगेदर यानी कि वो आपका होल्ड नहीं हो पाया, ठीक है, ड्यू टू पर्सनैलिटी क्लैशेस। क्यों होल्ड नहीं हो पाया? पर्सनैलिटी क्लैशेस की वजह से, कुछ टकराव, कुछ मनोपटाव की जैसे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द एनसीपी कांग्रेस, अच्छा, ड्यू टू, हमने टू यू ने यूज़ किया ना, तो प्लस टू के बाद क्या आएगा? आपका नाउन आएगा, तो क्लैशेज हमारा नाउन हो गया, ठीक है। और ये पर्सनैलिटी, इसका पर्सनैलिटी क्लैशेज पूरा आपका नाउन ही हो रहा है, पर्सनैलिटी क्लैशेज इस तरह से, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिया है कि अच्छा, यहाँ पर डेट का यूज़ हमने किया था, डेट के बाद हम नॉट का यूज़ ही करेंगे, ठीक है। डेट के बाद आपका मतलब डेट के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने होल्ड का यूज़ किया है, ठीक है। डेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने होल्ड का यूज़ किया है, ठीक है। अगर हमारा नॉट नहीं आता तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेट नॉट होल्ड टुगेदर ड्यू टू पर्सनैलिटी क्लैशेज द एनसीपी कांग्रेस सेना कॉलिशन, ठीक है। एनसीपी कांग्रेस सेना कॉलिशन की बात हो रही है, द आया है, द के बाद पूरा ये नाउन हमारा यूज़ हो रहा है, पूरा ये नाउन है, ठीक है। द एनसीपी कांग्रेस सेना कॉलिशन इज अ ट्रम्फ ऑफ पर्सनल बॉन्डिंग्स एंड इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल, ठीक है। इज अ ट्रम्फ, ये क्या है? ट्रम्फ है यानी कि जीत है, ऑफ पर्सनल बॉन्डिंग्स एंड इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल, ठीक है, यानी इनके जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उनके पर्सनल बॉन्डिंग्स एंड इंटरेस्ट पर क्या हुई है? उसकी ट्रम्फ हुई है यानी कि जीत हुई है, किसकी? एनसीपी कांग्रेस सेना कॉलिशन की, ठीक है। ओके तो द इज अ ट्रम्फ, ठीक है, आर्टिकल ए आया, तो उसके बाद हमने नाउन का यूज़ किया, ट्रम्फ का यूज़ किया, ठीक है, नाउन हो गया। ऑफ आया, ऑफ के ऑफ हमारा क्या है? प्रपोजिशन है, इसलिए हमने पर्सनल बॉन्डिंग्स हमारा क्या हो गया? बॉन्डिंग्स हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और पर्सनल क्या हो गया? पर्सनल हमारा एडजेक्टिव हो गया, पर्सनल बॉन्डिंग्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमने बॉन्डिंग्स का यूज़ किया, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर एंड से पहले अगर हमारा प्लूरल होता है तो एंड के बाद ही हमें किसका यूज़ करना होता है? प्लूरल का ही यूज़ हमें करना होता है, ठीक है। एंड के बाद, एंड से पहले अगर हमारा प्लूरल होता है, एंड के बाद भी हमें प्लूरल का यूज़ करना होता है, तो
बॉन्डिंग एंड इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल्स, ठीक है, ओवर प्रिंसिपल्स, ओके। सो ओवर क्या है हमारा, ओवर हमारा एज अ प्रपोजिशन यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे कि ओवर के बाद हमने नाउन का यूज़ किया है, ओवर प्रिंसिपल्स। विद द एनसीपी चीफ शरद पवार, विद द एनसीपी चीफ शरद पवार, विद हमारा क्या है प्रपोजिशन है, तो इसलिए हमारा द आया है, द के बाद हमारा नाउन आएगा, तो इसलिए हमारा एनसीपी चीफ शरद पवार क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। एक्टिंग एज द ग्लू बिटवीन, एक्टिंग एज द ग्लू बिटवीन, ये कैसे एक्ट कर रहे हैं शरद पवार, एक तरह से ग्लू की तरह एक्ट कर रहे हैं, किसके बीच में, सेना और कांग्रेस के बीच में, ठीक है, यानी एक तरह से कनेक्शन की तरह हमारा वर्क कर रहे हैं सेना और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। ओके सो हमारे यहाँ पे द आया था और द के बाद हमें क्या करना है, नाउन का यूज़ करना था, ग्लू हमारा नाउन हो गया, ठीक है। बिटवीन आया है फ्रेंड्स, तो बिटवीन के बाद आप जानते हो एंड आता है, तो बिटवीन के बाद एंड आता है, इसलिए हमने यहाँ पे एंड का यूज़ किया है, बिटवीन द सेना एंड द कांग्रेस। उसके बाद क्या लिखा है कि दिस इज़ नॉट टू ओवरलुक द सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है, दिस इज़ नॉट टू ओवरलुक द सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर, नॉट टू, टू आए, टू के बाद हमें क्या करना होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, वैसे तो नाउन आता है टू के बाद प्रपोजिशन है इसलिए, लेकिन अगर हम वर्ब का यूज़ करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसलिए ओवरलुक हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ओवरलुक द, द हमारा क्या है नाउन आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है नाउन आता है, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर, फैक्टर हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, और सोशियो पॉलिटिकल क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर। उसके बाद क्या लिखा है द मराठा कम्युनिटी, द आ गया, आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के क्या होता है नाउन होता है, तो मराठा कम्युनिटी के हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, द मराठा कम्युनिटी क्लोजिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग रैंक्स आफ्टर इट फेल्ट साइलेंट बाय द राइज ऑफ द बीजेपी, ठीक है, क्लोजिंग रैंक्स, क्लोजिंग हमारा एज ए जीरो यहाँ पे यूज हो रहा है, क्लोजिंग रैंक्स आफ्टर, क्लोजिंग रैंक्स आफ्टर, क्लोजिंग किसको, रैंक्स को, रैंक्स हमारा क्या हो गया नाउन है, क्लोजिंग रैंक्स आफ्टर इट फेल्ट, आफ्टर इट फेल्ट साइड लाइंड बाय द राइज ऑफ द बीजेपी, बाय क्या हो गया हमारा प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद क्या हो गया नाउन आएगा, द राइज हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, द के बाद ही हमारा नाउन आता है, इसलिए राइज हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, द राइज ऑफ द बीजेपी, ऑफ हमारा क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद क्या नाउन आता है, तो बीजेपी हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, ठीक है। द एग्जिट ऑफ इट्स ओल्डेस्ट एली, द एग्जिट, द हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के क्या होता है नाउन आता है, तो एग्जिट हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, द एग्जिट ऑफ, ऑफ क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो ओल्डेस्ट एली ये हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, ठीक है, ऑफ इट्स ओल्डेस्ट एली फ्रॉम इट्स फोल्ड, ठीक है, फ्रॉम क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद क्या हमारा है नाउन आता है, तो फ्रॉम इट्स फोल्ड, ठीक है, ये हमारा नाउन हो गया, इज अ सेटबैक, इज अ सेटबैक, आर्टिकल ए हो गया, आर्टिकल ए के बाद नाउन आता है, तो सेटबैक हमारा नाउन हो गया, ठीक है, इज अ सेटबैक फॉर दी, फॉर के मारे प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो द बीजेपी हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, डेस्पाइट, डेस्पाइट क्या हो गया हमारा प्रपोजिशन होता है ये भी, क्योंकि डेस्पाइट के बाद हमारा नाउन आता है, तो द ब्रेव हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, ठीक है, डेस्पाइट द ब्रेव फेस, द ब्रेव फेस, द ब्रेव फेस हमारा नाउन हो गया, द ब्रेव फेस दैट इट पुट्स अप, ठीक है, दैट इट पुट्स अप, अब ब्रेव फेस की हमने बीजेपी की, बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की हमने सिंगुलर है, इसलिए हमने पुट्स का यूज़ हमने किया है, ठीक है, प्लुरल होता तो प्लुरल सब्जेक्ट होता तो हम प्लुरल वर्ब का यूज़ करते, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने पुट्स का यूज़ हमने यहाँ पे किया है पुट्स अप। अब देखते हैं इसमें जो वर्ड्स आए हैं उसका मीनिंग क्या है, आइडियोलॉजिकल का मैंने आपको बताया, कोहेजन का मैंने आपको बताया था, बैंडवैगन का मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लैशेस का भी मैंने आपको बताया था, उसके बाद क्या है एनसीपी कांग्रेस सेना कॉलिजन, कॉलिजन का मैंने आपको बताया था, गठबंधन द्वारा, ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, ट्रिम्फ का मतलब जीत होती है, ठीक है, जीत, स्वैम्प बोलते हैं, रिजॉइस, फ्रॉलिक, ठीक है, जीत, ठीक है, ट्रिम्फ का मतलब क्या था, जीत होना, तो ऑफ पर्सनल बॉन्डिंग्स एंड इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल, विद द एनसीपी चीफ शरद पवार एक्टिंग एज द ग्लू बिटवीन द सेना एंड द कांग्रेस, दिस इज नॉट टू ओवरलुक द सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर, दिस इज नॉट टू ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब क्या होता है अनदेखा करना, कर्निप करना, एक्सक्यूज़ करना, ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरलुक का मतलब, दिस इज नॉट टू ओवरलुक द सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर, द मराठा कम्युनिटी क्लोजिंग रैंक्स आफ्टर इट फेल्ट साइडलाइन, साइडलाइन का मतलब क्या होता है अलग होना, ठीक है, यानी कि मराठा कम्युनिटी कैसा फील कर रही थी, साइडलाइन फील कर रही थी बाय द राइज ऑफ द बीजेपी, बीजेपी की राइज होने के बाद, ठीक है, बाय द राइज ऑफ द बीजेपी, द एग्जिट ऑफ इट्स ओल्डेस्ट, द एग्जिट ऑफ इट्स ओल्डेस्ट एली, ठीक है, द एग्जिट ऑफ इट्स ओल्डेस्ट एली फ्रॉम इट्स फोल्ड इज अ सेटबैक फॉर द बीजेपी, यानी कि जो बीजेपी की जो ओल्डेस्ट अली था, ओल्डेस्ट अली कौन था, ओल्डेस्ट मित्र कौन सा था, सेना था, ठीक है, द सेना, अब सेना का क्या हो गया सेटबैक हो गया, ठीक है, तो उसके सेटबैक के बाद में ये जो बीजेपी के लिए क्या हो गया है, बहुत बड़ा सेटबैक है, ठीक है, द एग्जिट ऑफ इट्स ओल्डेस्ट एली फ्रॉम इट्स फोल्ड इज अ सेटबैक, ठीक है, इज अ सेटबैक फॉर द बीजेपी डिस्पाइट द ब्रेव फेस दैट इट पुट्स अप, ओके, सो ये हमारा इसमें हमने इंपॉर्टेंट मीनिंग भी देखी वो कैप के, अब हम चलते हैं आगे, तो आगे क्या दिया है कि दो देयर इज नो थ्रेट टू द बीजेपी, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए कोई भी थ्रेट जो है नहीं है, ठीक है, फिर भी बीजेपी के लिए यहाँ पे क्या है, कोई भी थ्रेट जो है नहीं है,
ओके सो बीजेपी के लिए कोई भी थ्रेट नहीं है, दो देयर इज़ नो थ्रेट टू द बीजेपी और द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। सो देयर इज नो थ्रेट टू द बीजेपी, टू हमारा यहाँ टू क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन की बात हम किसके यूज़ करेंगे, नाउन के यूज़ करेंगे, तो द बीजेपी हमारा नाउन हो गया, उसके बाद और द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। द आ गया हमारा, फिर से द आ गया हमारा आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के अंदर हम नाउन के यूज़ करते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट हमारा नाउन हो गया, उसके बाद द आ गया फिर से, और द के बाद हम नाउन के यूज़ करते हैं, तो पार्टी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और पार्टी के ओवरवेलमिंग ओवर बियरिंग एटीट्यूड की बात हो रही है, ओवर बियरिंग एटीट्यूड की बात हो रही है, इसलिए हमने पार्टीज का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, पोजेशन का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, पार्टीज ओवर बियरिंग एटीट्यूड टुवार्ड्स, टुवार्ड्स एलीज, ठीक है। टुवार्ड्स का हम यूज़ करें, टुवार्ड्स क्या होता है, और प्रपोजिशन होता है, टुवार्ड्स के बाद हमारा नाउन आएगा क्योंकि प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है। तो एलीज हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब एलीज हैज़ लिमिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम हैज़ की बात, हैज़ का यूज़ कर रहे हैं, अब हैज़ हमारा किसके लिए आया है, एलिस के लिए आया है, नहीं, हैज़ हमारा एलिस के लिए नहीं आया है, हैज़ हमारा एटीट्यूड के लिए आया है, ठीक है। तो एटीट्यूड के लिए आया है इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है, हैज़ लिमिट्स एज द एपिसोड शोज, ठीक है, एज द एपिसोड शोज, ठीक है। द आया, द के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, एज द एपिसोड शोज एंड दैट इज़ द लेसन फॉर द बीजेपी, एंड दैट इज़ द लेसन फॉर द बीजेपी। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि दो देयर इज़ नो थ्रेट टू द बीजेपी, यानी कि बीजेपी के लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई डर नहीं है, और द यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी कोई थ्रेट नहीं है, कोई डर नहीं है। द पार्टीज़ ओवर बियरिंग एटीट्यूड टुवार्ड्स एलीज हैज़ लिमिट्स एज द एपिसोड शो, यानी कि पार्टीज़ का जो ओवर बियरिंग एटीट्यूड होता है किसकी तरफ, एलीज की तरफ, यानी कि उसके जो मित्र होते हैं उनकी तरफ, उसकी भी एक लिमिट होती है, जैसे कि एपिसोड शोज की एक लिमिट होती है, उसी तरह उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। एंड दैट इज़ द लेसन फॉर द बीजेपी, और ये बीजेपी के लिए क्या है, एक लेसन है। नाउ फेस्ड विद मर्मर्स ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर एलिज, ठीक है, नाउ फेस्ड विद मर्मर्स, ठीक है। विद दिया हुआ हमारा, विद क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, मर्मर्स क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमारा क्या होता है, नाउन आता है, तो मर्मर्स क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑफ हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन हो गया, तो प्रोटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटेस्ट हमारा नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर एलिज, ठीक है, फ्रॉम अदर एलिज, यानी कि एलिज हमारे क्या हो गए, एलिज हमारे क्या हो गए, मित्र हो गए, ठीक है, फ्रॉम अदर एलिज, ओके, फ्रॉम अदर एलिज, फ्रॉम हमारा क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद हमने किसका यूज़ किया है, एलिज का यूज़ किया है, जो कि हमारा नाउन हो गया, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ध्यान रखना, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। प्रपोजिशन एलिज, द कांग्रेस, जो हमारा सब्जेक्ट हो गया पूरा, द कांग्रेस परहैप्स फेसेस, अब कांग्रेस हमारा सिंगुलर है ना, इसलिए हमने फेसेस का यूज़ किया है, कांग्रेस परहैप्स फेसेस द ग्रेवेस्ट लॉस ऑफ फेस, ठीक है, द ग्रेवेस्ट लॉस ऑफ फेस। तो यहाँ पे हमने द ग्रेवेस्ट लॉस की बात करें, लॉस क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, द के बाद क्या आ गया, नाउन आएगा ना, नाउन हमारा ये हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया, ग्रेवेस्ट हो गया, ठीक है, ग्रेवेस्ट लॉस ऑफ फेस फॉर इट्स एसोसिएशन, फॉर इट्स फॉर क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, इसके बाद नाउन क्या हो गया, इट्स एसोसिएशन, ठीक है, विद द सेना, विद द सेना, ठीक है, विद क्या हो गया हमारा, प्रपोजिशन हो गया, इसके बाद हमारा द सेना, मतलब द के बाद ही हमारा नाउन आता है, तो सेना हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। द सेना विच हैज़ राइजन आउट ऑफ, विच हैज़ आया हमारा, हैज़ के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हमने राइजन का यूज़ किया है। और विच किसके लिए आ रहा है, सेना के लिए आ रहा है, ठीक है, विच सेना के लिए आ रहा है, विच हैज़ राइजन आउट ऑफ क्रॉस लिंग्विस्टिक, राइजन आउट ऑफ क्रॉस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस चौविनिज्म, ठीक है, चौविनिज्म क्या हमारा नाउन है, उसको रिलीजियस जो है क्वालिफाई करता है, तो इसलिए रिलीजियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, रिलीजियस चौविनिज्म। और सी एम पी, आर्टिकल ए के बाद हमारा नाउन रहता है, सी एम पी हमारा नाउन हो गया, और सी एम पी इज ओनली एन इनिशियल, इनिशियल हमारा आई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने एन का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, इज ओनली एन इनिशियल एंड मोडेस्ट स्टेप टू शेड द, मोडेस्ट स्टेप, मोडेस्ट क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और हमारा ये किसके लिए आया, स्टेप के लिए आया, स्टेप हमारा नाउन हो गया, ठीक है, टू शेड, अब टू आया, टू के बाद हमारा, टू हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, लेकिन अगर हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने शेयर जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रखा है, टू शेयर द डिसऑनरेबल बैगेज दैट द सेना कैरीज टू द टेंट, डिसऑनरेबल बैगेज, द आया, द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, बैगेज हमारा नाउन हो गया, और बैगेज के पहले जो डिसऑनरेबल यूज़ हो रहा है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, जो कि बैगेज को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है, द डिसऑनरेबल बैगेज दैट द सेना, ठीक है, द आ गया हमारा, द आ गया, नाउन हो गया, इसके बाद सेना हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि द हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, द सेना कैरीज टू द टेंट, अब कैरीज किसके लिए आया, कैरीज हमारा सेना के लिए आया, सेना क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने कैरीज का यहाँ पे यूज़ यहाँ पे किया है, ठीक है। टू आ गया, टू के बाद हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमारा नाउन आता है, तो इसलिए हमने द टेंट, ये हमारा टेंट जो क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, और द के बाद भी हमारा नाउन आता है, इसलिए टेंट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें क्या क्या है, देखिए, दो देयर इज नो थ्रेट टू द बीजेपी और द यूनियन गवर्नमेंट, द पार्टीज ओवर बियरिंग एटीट्यूड, ओवर बियरिंग का मतलब क्या होता है, अहंकारी, असहनशील, ठीक है, या स्नूटी भी बोल सकते हैं, स्नूटी, तो अहंकारी एटीट्यूड या फिर ओवर बियरिंग एटीट्यूड जो होता है, ठीक है, एटीट्यूड टुवार्ड्स एलीज की तरफ, हैज़ लिमिट्स एज द एपिसोड शोज एंड दैट इज़ द लेसन फॉर द बीजेपी, नाउ फेस्ड विद मर्मर्स, मर्मर्स का मतलब क्या होता है, धीरे आवाज़ में कहना, ग्रम्बल, ठीक है, धीरे आवाज़ में कहना, ग्रम्बल करना, उसको बोलते हैं मर्मर्स, फेस्ड विद मर्मर्स ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर एलीज, ठीक है, नाउ फेस्ड विद मर्मर्स ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है मर्मर्स ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर एलीज, द कांग्रेस परहैप्स फेसेस द ग्रेवेस्ट लॉस ऑफ फेस, ठीक है, मर्मर्स ऑफ प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे हैं,
मर्मर्स का मतलब क्या होता है, धीरे आवाज़ में कहना, ठीक है, मर्मर धीरे आवाज़ में कहना, यानी कि आपका ग्रम्बल करना एक तरह से, ठीक है। और प्रोटेस्ट फ्रॉम अदालत, द कांग्रेस परहैप्स फेसेस द ग्रेवेस्ट लॉस ऑफ फेस। ग्रेवेस्ट का मतलब क्या होता है, गंभीर। ग्रेवेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे गंभीर होना, ठीक है। सॉलेमन बोल सकते हैं, सीडेट बोल सकते हैं, सीडेट। तो ग्रेवेस्ट का मतलब होता है गंभीर, गंभीर लॉस ऑफ फेस, ठीक है। फॉर इट्स एसोसिएशन विद द सेना विच हैज़ राइजन आउट। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, समिति होना, ठीक है, समिति, फेडरेशन, कलेक्टिविटी, उसको बोलते हैं एसोसिएशन विद द सेना विच हैज़ राइजन आउट ऑफ क्रॉस लिंग्विस्टिक, ठीक है। क्रॉस लिंग्विस्टिक, क्रास का मतलब क्या होता है, क्रास का मतलब होता है अनाड़ी, अनाड़ी को बोलते हैं, या सेंसिटिव या मूर्ख को हम बोल सकते हैं क्रास, ठीक है। मूर्ख जो होता है उसको सेंसिटिव जो होता है, अनाड़ी जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनाड़ी या मूर्ख को हम क्या बोलते हैं, क्रास बोलते हैं, ठीक है। अनाड़ी होता है कोई, उसको बोलते हैं क्रास बोलते हैं, ठीक है। आउट ऑफ क्रास लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस चौविनिज्म, ठीक है, एंड रिलीजियस चौविनिज्म, ओके। रिलीजियस चौविनिज्म, चौविनिज्म का मतलब क्या होता है, अंधराष्ट्रीयता या फिर दुराग्रह, ठीक है। चौविनिज्म यानी कि अंधराष्ट्रीयता, ठीक है, अंधी भक्ति जो होती है उसको हम बोलते हैं अंधराष्ट्रीयता। तो अंधराष्ट्रीयता, इसको हम जिंगोइज्म भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, जिंगोइज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो अ सी एम पी इज़ ओनली एन इनिशियल एंड मोडेस्ट स्टेप टू शेड द डिसऑनरेबल बैगेज, टू शेड, शेड का मतलब क्या होता है आपका, झोपड़ा, ठीक है, झोपड़ी होती है कोई, उसको बोलते हैं कुटिया, कुटिया जो होती है उसको बोलते हैं शेड, ठीक है। पॉर्च भी बोल सकते हैं, पेंट हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंड मोडेस्ट स्टेप टू शेड द, मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, साधारण, ठीक है, बैशफुल, शैपलेस या मीक, ठीक है, कोई चीज़ होती है साधारण उसको बोलते हैं मोडेस्ट, ठीक है। मोडेस्ट स्टेप टू शेड यानी कि शेड करना, यानी कि शेड करना, शेड का मतलब कुटिया से होता है, अलग कोई झोपड़ी होता है इस तरह से। टू शेड द डिसऑनरेबल बैगेज, बैगेज का मतलब क्या होता है आपका, सामान, ठीक है। तो बैगेज दैट द सेना कैरीज टू द टेंट, तो यहाँ पे एक तरह से idiom की तरह यूज़ किया जा रहा है इसका, डिसऑनरेबल बैगेज दैट द सेना कैरीज टू द टेंट, ओके। सो इस तरह से हमने इसका यूज़ किया, और इस तरह से हमने ये पूरा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं, द सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट डिविजिव स्टेप्स, द सीरीज ऑफ डिविजिव स्टेप दैट आर लाइंड अप बाय द बीजेपी सच एज अ नेशन वाइड NRC एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल विल टेस्ट द मोरल लिमिट्स ऑफ द कोलिजन। द के बाद हमारा नाउन आएगा, तो द के बाद हमने नाउन का यूज़ किया सीरीज का, उसके बाद ऑफ के बाद हमारा नाउन आएगा, स्टेप्स हमारा नाउन हो गया, डिविजिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, डिविजिव स्टेप्स, ठीक है। तो स्टेप्स हमारा नाउन हो गया, एडजेक्टिव उसको डिविजिव हो गया, ठीक है, डिविजिव एडजेक्टिव हो गया किसके लिए, स्टेप्स के लिए, जो कि स्टेप्स को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। डिविजिव स्टेप्स दैट आर लाइंड अप बाय द बीजेपी, आर आ रहा है, आर के बाद हमारा क्या आता है, ING आता है, लेकिन यहाँ पे ED दिया हुआ है, यानी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पैसिव में है, ठीक है, क्योंकि डिविजिव स्टेप जो है वो अपने आप लाइंड अप नहीं होंगे, उनको लाइंड अप किया जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है पैसिव में दिया हुआ है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, लाइंड अप बाय द बीजेपी, बाय हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो बीजेपी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, बाय द बीजेपी सच एज अ नेशन वाइड NRC, सच एज अ नेशन वाइड NRC, एज अ आर्टिकल ए आ रहा है, आर्टिकल ए के बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है, तो NRC हमारा नाउन हो गया, नेशन वाइड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया NRC के लिए, ठीक है, नेशन वाइड NRC एंड द सिटीजनशिप, द हो गया, द के बाद नाउन आएगा, एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया, अमेंडमेंट क्या हो गया, बिल हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, फिर पूरा हमारा ये नाउन ही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट पूरा क्या, नाउन ही, सिटीजन अमेंडमेंट बिल विल टेस्ट द, विल, विल के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप हैव, विल के बाद अगर हम बिल या शैल होता है, अगर हम इसके बाद हैव का या फिर बी का अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन अगर इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे देखो, हम विल के बाद हैव या फिर बी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने टेस्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। विल टेस्ट द, द आ गया, द के बाद क्या आ गया, नाउन आएगा, तो द मोरल लिमिट्स, ठीक है, मोरल लिमिट्स का क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ठीक है, मोरल लिमिट्स हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, मोरल लिमिट्स ऑफ दिस कॉलिजन, ठीक है, ऑफ दिस कॉलिजन, ऑफ क्या हो गया, प्रोविजन हो गया, प्रोविजन के बाद नाउन आता है, तो कॉलिजन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। कॉलिजन फॉर अ स्टार्ट, फॉर अ स्टार्ट द सेना मस्ट मेक, मस्ट आ गया, मस्ट क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है, मस्ट मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के बाद आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मेक हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। मस्ट मेक अ पब्लिक कमिटमेंट, ठीक है, मस्ट मेक अ पब्लिक कमिटमेंट, आर्टिकल ए आ गया, आर्टिकल ए के बाद नाउन होता है, तो अ पब्लिक कमिटमेंट हो गया नाउन, और टू डिसिस्ट हो गया, टू के बाद हमारा प्रपोजिशन है, उसके बाद हमारा नाउन होता है, टू डिसिस्ट, लेकिन हमारे यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यहाँ पे यूज़ किया, टू डिसिस्ट फ्रॉम डिविजिव पॉलिटिक्स, फ्रॉम आ गया प्रपोजिशन, उसके बाद डिविजिव पॉलिटिक्स हमारा क्या हो गया, पॉलिटिक्स हमारा नाउन है, डिविजिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फ्रॉम डिविजिव पॉलिटिक्स दैट मेड इट पावरफुल, पॉलिटिक्स के लिए हमने दैट का यूज़ किया है, दैट मेड इट पावरफुल, ठीक है, दैट मेड इट पावरफुल इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इन द फर्स्ट इंस्टेंस, द आ गया, द के बाद हमारा नाउन आता है, तो इंस्टेंस हमारा नाउन हो गया, ठीक है। दैट इज अ टॉल ऑर्डर, दैट इज अ टॉल ऑर्डर, आर्टिकल ए आ गया, तो उसके बाद नाउन आता है, नाउन हमारा ऑर्डर हो गया, और एट टॉल क्या हो गया, उसके लिए एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, टॉल ऑर्डर, बट अ प्राइस इट मस्ट पे फॉर पावर इन द इंस्टेंस, ठीक है, बट हमारा प्रोविजन हो गया, और हमारा बट अ प्राइस, ओके, बट हमारा कंजक्शन की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है, अ प्राइस, आर्टिकल ए हमारा यूज़ हो रहा है, और आर्टिकल ए हमारा क्या है, हमारा ये आर्टिकल ए के बाद हमारा नाउन आता है, तो प्राइस क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। बट अ प्राइस इट मस्ट पे, मस्ट आ गया, मस्ट के बाद मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब होता है मस्ट, मस्ट के बाद कोई भी मॉडल वर्ब होती है, उसके बाद अगर हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए,
इसलिए हमने पे किया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया है। फिर फॉर पावर इन दिस इंस्टेंस, फॉर हमारा प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन का नाउन आता है तो पावर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। फॉर पावर इन दिस इंस्टेंस, इन हमारा प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन का नाउन आता है तो इंस्टेंस हमारा नाउन हो गया। तो इस तरह से हमने देखा पूरे पैराग्राफ में कि कहाँ पर हमारा प्रपोजिशन है, कहाँ पर हमारा नाउन यूज़ होना है, कहाँ पर हमारा मॉडल वर्ब आता है तो उसके बाद क्या आता है। तो इस तरह से हमने सारा का सारा पैसे जो है पूरा का पूरा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, ठीक है। और इसमें कुछ जैसे वर्ड्स हो अगर तो मैं बता देती हूँ, द सीरीज ऑफ डिविजिव स्टेप्स, ठीक है, डिविजिव स्टेप्स, देर इज सीरीज ऑफ डिविजिव स्टेप्स दैट आर लाइंड अप बाय द बीजेपी सच एज अ नेशन वाइड एनआरसी सच एज अ नेशन वाइड। नेशन वाइड का मतलब क्या होता है, नेशन वाइड का मतलब होता है देशव्यापी, कोई चीज़ देशव्यापी हो, मीडियोक्री हो, पिंपिंग हो, ठीक है, मीडियोक्री हो, पिंपिंग हो, उसको हम नेशन वाइड कहते हैं। नेशन वाइड यानी कि देशव्यापी, इसके से ध्यान रखो, देशव्यापी। एनआरसी एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल विल टेस्ट द मोरल, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है आपका संशोधन, ठीक है, संशोधन करना किसी बिल में, संशोधन करना, ठीक है, रिक्लेमेशन करना, ओके। सो अमेंडमेंट बिल विल टेस्ट द मोरल लिमिट्स ऑफ द कॉलिशन, विल टेस्ट क्या क्या टेस्ट करेंगे, मोरल लिमिट्स ऑफ द कॉलिशन, ठीक है, मोरल ऑफ द कॉलिशन। फॉर स्टार्ट द सेना मस्ट मेक अ पब्लिक अमेंडमेंट टू डिसिस्ट फ्रॉम डिविजिव पॉलिटिक्स दैट मेड इट पावरफुल इन द फर्स्ट इंस्टेंस दैट इज अ टॉल ऑर्डर बट अ प्राइस इट मस्ट पे फॉर द पावर इन द इंस्टेंस। तो और कोई वर्ड इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सो इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड थे उन सबके मीनिंग मैंने आपको बता दी है, और इसकी आपको लिस्ट चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड मतलब लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप पूरी वोकैब लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसका बेनिफिट जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले। एंड इसको कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाओगे तभी हम आपको हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।